नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी। लेकिन आज हम जिस मुद्दे को लेकर आज आपके सामने आ रहे हैं, वाकई वे मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और वह कोरा सत्य है। सत्य ऐसा कि जैसे मृत्यु सत्य है, उसी तरह वो मोक्ष धाम भी सत्य है। अभी हम मोक्ष धाम पे खड़े हैं, यानी जब मनुष्य अपना शरीर त्यागता है तो सीधे मोक्ष धाम पहुंचता है, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, चाहे वह सड़क पर रहने वाले लोग हो या महल में रहने वाले लोग, एक दिन सबको जाना है और एक दिन सबको इस मोक्ष धाम पे आना है। लेकिन लोग इस कटु सत्य से बहुत दूर रहते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बैठकर अपने परिवार और समाज और दोस्तों के साथ ये बात करे कि हमको अब ज्यादा दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन हमें जाना है। लेकिन इस माया की नगरी में, इस माया के जाल में हम जकड़े हुए हैं। हम अपने परिवार, सगे संबंधी, बच्चे और आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन कभी हम यह चिंता नहीं करते कि हमें भी एक दिन मोक्ष धाम जाना है। लेकिन आज हम आपको उस मोक्ष धाम का सफर करा रहे हैं जो कटु सत्य है, ये कभी असत्य हो ही नहीं सकता। जैसे मृत्यु सत्य है, जैसे मनुष्य के जीवन के लिए भोजन सत्य है, ठीक उसी तरह यह कटु सत्य है कि मौत तो आना ही है, लेकिन मौत के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और उसके बाद मोक्ष कैसे मिलता है। भले ही आप कितने ही बड़े लोग क्यों ना हो, भले ही आप अरबपति हैं या खाकपति हैं, लेकिन मोक्ष के लिए जो परंपरा है और जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना होता है। लेकिन आज हम जो खबर आपको दिखा रहे हैं, वाकई ये खबर देखकर आपका दिल दहल जाएगा कि आज भी वो पूर्वज अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और वो इंतजार इसलिए कि कब मिलेगा मुझे मोक्ष। अंतिम संस्कार ही मोक्ष का रास्ता नहीं है, अंतिम संस्कार के बाद भी क्रिया कर्म करना पड़ता है और उसके बाद जो अस्थि कलश होता है वो गंगा में प्रवाहित किया जाता है। लेकिन आज भी हजारों ऐसे बुजुर्ग अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अपनी पूरी जिंदगी बिता दी उन्होंने ये कहने में, ये करने में कि मेरे बाद मेरे बच्चे अब इस समाज में रहेंगे, इस दुनिया में रहेंगे और नाम रोशन करेंगे। दादा परदादा का नाम रोशन करने वाला बच्चा आज अपने उसी दादा परदादा को भूल गया है। मोक्ष धाम में है और उस दृश्य को दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ, हम इसकी कथा और कहानी भी आपको सुनाएंगे कि आखिर वाकई इस मोक्ष धाम में सिर्फ अंतिम संस्कार ही मोक्ष नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद बहुत ढेर सारी ऐसी प्रक्रिया है जो मोक्ष धाम में आपको करना पड़ेगा। आपको इस जीवन में तभी आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे जब आप सारी प्रक्रिया से गुजरेंगे। यानी ऐसे भी कहा गया है कि सनातन धर्म में कहा गया है कि माँ गंगा जो है वो मोक्षदायिनी है, माँ गंगा मोक्षदायिनी है। लेकिन मनुष्य जब शरीर त्यागता है तो उसके बाद जरूरत पड़ता है अब उस मोक्ष धाम में जाने के बाद सीधे कलश के विसर्जन का। लेकिन जमशेदपुर की सरजमी से जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं और अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे कि वाकई आज भी वो बुजुर्ग इंतजार कर रहा है कि कब आएगा वो समय जो मुझे मोक्ष मिलेगा। एक बार आप देख लीजिए ये दृश्य, एक बार देखिए, लाल लाल कपड़े में बंधा हुआ ये दृश्य, नंबर दिया हुआ ये दृश्य, सब कुछ बयां कर रहा है कि आज भी वो बुजुर्ग इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे यहाँ आएंगे और आने के बाद हमें यहाँ से लेकर गंगा माँ के तक पहुँचेंगे और मोक्षदायिनी में, पावन पवित्र गंगा में हमें प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन आज जस का तस इंतजार आज भी वही है। अब आप देखिए, एक नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, एक नंबर से लेकर और सैकड़ों हजारों नंबर तक यहाँ पूरा टंगा हुआ है और ये है अस्थि कलश। ये वो अस्थि कलश है जिसका अंतिम संस्कार के बाद निश्चित तौर पे, देखिए एक आदमी और अपना अस्थि कलश लेकर आए हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लीजिए
कि वाकई अस्थि कलश का जो महत्व होता है वो एक बड़ा ही पवित्र महत्व होता है। लोग भले ही इसे ये तरह तरह की बात करते हैं अपने अपने समाज के लोग, लेकिन ये अस्थि कलश जब गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो ये जो व्यक्ति मृत हो जाता है उसके आत्मा की शांति मिलती है, और आत्मा की शांति मिलती है तब जाकर वो मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन आज भी जमशेदपुर की सरजमी पे ये सैकड़ों वैसे लोग हैं बुजुर्ग जो अपना देह तो त्याग चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी आत्मा इस जमशेदपुर में घूम रहा है, क्योंकि अब तक इन्हें मोक्ष नहीं मिला है। अगर इन्हें मोक्ष मिला रहता तो ये जो लाल लाल कपड़ा में बंधा हुआ जो कलश है और कलश में जो अस्थियां हैं वो अस्थियां यहाँ पर नहीं टंगा होता। ये निश्चित तौर पे हम यहाँ पे जो लोग हैं अस्थि रख रहे हैं, अस्थि मिलाने के लिए कहीं लेके जाएंगे बनारस या कलकत्ता। निश्चित तौर पे सही आपने कहा कि वाकई अस्थि जो टांगने की प्रक्रिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ नंबर देने का मतलब होता है कि आपको याद रहे कि आप अमुक नंबर आपका है, और इस नंबर में जब आपको उस अस्थि कलश को लेकर यानी विसर्जन के लिए जाएंगे मोक्ष धाम यानी, या अगर आप गंगा जाते हैं जमुना जाते हैं वहाँ, ऐसे भी कहा गया है कि गंगा में अगर अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे तो जो है आत्मा की शांति मिलती है मोक्ष के लिए। और आप तो बता ही दिए ना, अंतिम जो है वो अस्थि जब गंगा में विसर्जित किया जाता तब जा करके हम लोग को भी आत्मा शांति मिलता, उनको भी आत्मा शांति मिलता। यहाँ बहुत ढेर सारा बहुत सब इंतजार कर रहे हैं कि जिस तिथि का, जिस तिथि को उनको ले जाके गंगा में विसर्जित मिलाने का प्रक्रिया अभी बाकी है, उनके इंतजार कर रहा हूँ। आपने कहा कि देखिए बुजुर्ग आज भी इंतजार कर रहे हैं, हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक जी बताइए कि यहाँ अस्थि कलश कितना कितना? अभी तो लॉकडाउन में बहुत ले गया है, अभी कुछ कुछ है बाकी, उसके बाद ये सब ले जाने के लिए सब रखा है कि हम लोग ले जाएगा 10-15 दिन के बाद ले जाता है, कभी क्रियाक्रम के पहले भी हम लोग ले जाता है, आत्मा शांति करने के मन ले जाता है गंगा हरिद्वार। ऐसा अस्थि जो बहुत दिन का देख रहे हैं? ना बहुत दिन का तो अभी सर पूरा पुराना नहीं है, बहुत दिन का हम लोग जो कोरोना काल में, कोरोना काल से 2-4 टो रखा हुआ है वो वाला है। अच्छा, जो ज़्यादा पुराना होता है उसको? ज़्यादा पुराना होता तो हम लोग गंगा में प्रवाहित हम लोग करते हैं, क्या करते हैं जो जैसे पुराना हुआ ठीक है तो हम लोग गंगा में हम लोग खुद अपना जो है हम लोग का एजेंड है हम लोग बुला के करते हैं, जो इतना इतना साल का लेके नहीं ये हुआ है तो सब क्या करे तो वो खुद आके वो अपना लेके जाता है। सही आपने कहा कि वाकई एक बार हम इधर का दृश्य भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बार देखिए कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो रही है। हमने सबसे पहले हमने आपको ये दिखाया कि आप अस्थि कलश जो यहाँ पर टंगा हुआ है, ये अस्थि कलश ये अपने ये पूर्वज हैं और अपने बच्चों का आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर ये उनके जो बच्चे हैं वो जब यहाँ पर आएंगे तब ये अस्थि कलश लेकर सीधे जाएंगे गंगा में और उसके बाद प्रभावित किया जाएगा, तब जाकर उनकी आत्मा की शांति मिलेगी। लेकिन आत्मा की शांति ये कब मिलेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर देह छोड़ता है और अंतिम संस्कार ही सिर्फ मोक्ष धाम नहीं है, यानी अंतिम संस्कार ही करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको सीधे तौर पे जो अस्थि कलश है, जो अस्थि कलश गंगा में प्रवाहित करना है उसमें जब आप प्रवाहित करेंगे तब जाकर उनको मोक्ष मिलेगा। ऐसे भी सनातन धर्म में कहा गया है कि माँ गंगा के यहाँ अगर आप पहुँचते हैं और अस्थि कलश का विसर्जन करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। यह भी कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से 10 पाप धुलता है, अगर आप स्नान करते हैं तो पाप धुल जाते हैं। अगर अंतिम यात्रा के बाद जो अस्थि कलश है वो अस्थि कलश गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो उनके सारे पाप धुलते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अभी भी जमशेदपुर के 2 शमशान घाट हैं, एक अभी स्वर्णरेखा घाट पे अभी मौजूद है और दूसरा पार्वती घाट, दोनों घाटों पे सैकड़ों बुजुर्ग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे आएंगे और उसके बाद हमें मुक्ति दिलाएंगे। आज तक मुक्ति नहीं मिला, आखिर कौन दिलाएगा मुक्ति ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम तो ऐसे लोगों का शुक्रगुजार हैं कि वाकई जो लोग भूल जाते हैं
उन लोगों का अस्थि कलश को विसर्जन ये लोग करते हैं। तो आप ये समझिए कि वाकई अभी अस्थि कलश और इंतजार कर रहा है वो बुजुर्ग जिन बच्चों को इन्होंने जन्म दिया था। वो बच्चा भले ही बड़ा हुआ, बड़े बन गए, लेकिन आज भी अपने उस परंपरा को याद नहीं रखा। और इसका मतलब ये कि जमशेदपुर में सैकड़ों बुजुर्ग की आत्मा भटक रही है, पूरे शहर में ही नहीं, इस शमशान घाट में आज भी ये याद कर रहा है वो बुजुर्ग कि कब आएगा मेरे लाडले और हमें दिलाएगा मुक्ति। बने धाम में कैसे मिलेगी मुक्ति? बुजुर्ग आज भी इंतजार कर रहे हैं, जमशेदपुर के वो बुजुर्ग जो अपना प्राण त्याग चुके हैं, वो जिनका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मिलेगी मुक्ति। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 2000 से ज्यादा बुजुर्ग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उनकी आत्मा भटक रही है। क्या कहता है पुराण और क्या कहता है हिंदू नियम के अनुसार? हमारे साथ एक पुरोहित है, उनसे थोड़ा भी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थि कलश रखा जाता है उसका क्या महत्व? 10 रोज में प्रवाहित किया जाता है, अपने पूर्वजों को जो है गंगा में प्रवाहित किया जाता है, यही माने। ठीक है, तो यहाँ कितने कितने दिन का है? किसका? यहाँ पर बहुत लोगों का रखा हुआ है, ये तो कोई काल से ही, कोरोना काल से ही जो है, कोई सालों भर से टंगा हुआ है, कोई 2 महीना से टंगा हुआ है। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? आदमी टांग देता है, 10-20-50 आदमी के भीड़ में आया, कहा कि हम अपने बाप को ले जाएंगे कलकत्ता बनारस, यहाँ टांग के छोड़ दिया, अब फिर देखने वाला नहीं है, इंतजार करता है कि माँ मरे उसके बाद में दोनों को डालेंगे, ऐसा भी आदमी है यहाँ। यानी पिता के मरने के बाद माँ का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद एक ही साथ दोनों को मुक्ति मिले। जी 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 जी। लेकिन ग्रंथ क्या कहता है कि भाई आप कितना दिन में आपको दे देना है? 10 रोज में प्रवाहित करने का नियम है, जो श्राद्ध क्रम होता है उससे उसके पहले अगर नहीं करता है, अगर लोग नहीं किए हैं, बहुत लोग नहीं किए हैं, तो उसका कुप्रभाव क्या पड़ सकता है ग्रंथ के अनुसार? प्रवाहित तो क्या करेगा, कुछ नहीं, इसमें कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ना? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, सही आपने कहा कि देखिए ये अपनी अपनी मान्यता है और मान्यता के अनुसार, लेकिन इतना तो जरूर है कि आज भी वो इंतजार कर रहा है अपने बच्चे का। और ऐसे भी नियम के अनुसार 10 दिन के, यानी जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसके बाद जो श्राद्ध क्रम होता है, श्राद्ध क्रम से पहले यानी 10 दिन के भीतर में इस अंतिम संस्कार यानी ये जो प्रवाहित करना है वो अस्थि कलश को प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन आज भी जमशेदपुर के दोनों घाटों पे सैकड़ों क्या हजारों लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि हम दुनिया में आते हैं और दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास ये धन है, दौलत है, शोहरत है, और शोहरत के साथ इतने बड़ा नाम है मेरा, लेकिन जब अंतिम संस्कार के बाद क्या दशा होता है और अंतिम संस्कार के बाद वही बच्चे अपने पिता को भूल जाता है। कई पुत्र तो ऐसे हैं कि माँ के मौत का भी इंतजार करता है, ये बड़ी विडंबना है। एक बार हम शमशान घाट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई कोरोना काल तो बीत गया, कोरोना काल में यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ रहा करता था, लोग यहाँ आ नहीं सकते थे, लेकिन इस कोरोना काल के साथ साथ धीरे धीरे अब एक मिनट थोड़ा अंदर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर एक बार हम दिखाते हैं आपको अस्थि कलश, उसके बाद शमशान घाट के पास चलेंगे और शमशान घाट में जो यहाँ से मोक्ष दिलाने वाले कौन हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और एक बार ऐसे भी कहा गया है कि अगर मोक्ष मनुष्य को तभी मिलेगा जब आप सीधे तौर पर आप यानी जिन की मौत हो चुकी है उनका अस्थि कलश जो है वो अगर गंगा में प्रवाहित किया जाएगा तब जाकर वो उनको मुक्ति मिलेगा। ऐसे भी मुक्ति के लिए ये भी कहा गया है कि माँ गंगा को सर्वोच्च स्थान माना गया है क्योंकि माँ, और ये भी कहा गया है कि एक बार का समय था जब माँ गंगा ने ये श्री हरि से ये पूछ डाला कि सारे पाप को अगर हम धोएंगे तो हम खुद पापी कहलाएंगे, लेकिन आखिर ये मुक्ति हमें कैसे मिलेगी?
तो उस वक्त श्री हरि ने सीधे तौर पे माँ गंगा को ये कहा था कि जो साधु संत आपके यानी गंगा में स्नान करने आएगा और उससे आपके पाप धुल जाएंगे। और यही कारण है कि आज भी लोग गंगा में अस्थि कलश को प्रवाहित करना चाहता है। लेकिन बड़ी विडम्बना के जमशेदपुर कि ये दोनों सोनडेखा और पार्वती घाट पे 2000 से ज्यादा बुजुर्ग आज भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे का ये दृश्य आप देखिए। और एक बार और यहाँ के एक चीज बताइए, लोग बताते नहीं है आप लोग कि भाई 10 दिन में आइए? हाँ, 10 दिन में हम लोग बता देते थे, 10 दिन के अंदर आइए, आप 10 दिन के भीतर ले जाइए। तो हाँ बाबू ले जाएगा, ले जाने के बाद तो आदमी लोग दिखाने के लिए रखता है, उसके बाद भूल जाता है। 10-20 आदमी आता है, 50 आदमी आता है दिखाने के लिए, रहता है कि मेरा बाप को ले जाएगा मैंने गंगा, उसके बाद भूल जाता है अपना। इसको रखते कैसे, नंबर कैसे लोग को याद रखते? नंबर हम लोग को नाम एड्रेस मोबाइल नंबर लिख देता है और वो लोग फोटो खींच के ले जाता है, अपना नाम एड्रेस मोबाइल नंबर लिखा हुआ, सारा डिटेल्स आपको लिखा हुआ पूर्जी में, अपना अपना जो पता है उसका डिटेल्स लिखा हुआ, वही नाम नंबर देख के वो लोग ले जाता है अपना अपना सब। एक चीज बताइए, मान के कि इतना अस्थि कलश है यहाँ पर और आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो इसका पूजा पाठ करते हैं? नहीं, मतलब वो लोग दियाबाती जलाते हैं, वो लोग आके दियाबाती भी जलाते हैं, बाकी आप लोग नहीं? हम लोग को ये बाती उती जला देते हैं बस, यार कुछ नहीं। डर नहीं लगता है क्या भाई? डर नहीं लगता, शमशाने घाट में रहना है डर? हम लोग बचपन से ही यहाँ पर गुजरा। हाँ, मेरा पिताजी भी यहीं पर काम करता था, मेरा पिता, हाँ मैं पिताजी मेरा वही काम करता जो हम कर रहा अभी। दो पुरुष आपका चल? हाँ, दो पुरुष चल रहा मेरा, दो पुरुष चल रहा। आपके बच्चे क्या? बच्चा मेरा पढ़ रहा अभी, 12th पे पढ़ रहा। हाँ, बच्चे को ये काम करवाएगा? नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं, बच्चा लोग को ये सब काम नहीं कराएगा, ये सब बच्चा लोग को नहीं कराएगा। हम लोग कोशिश है कि बच्चा लोग को ये सब काम नहीं कराएंगे। हाँ, बढ़िया से हुआ। तकलीफ होता है जब अब यहाँ पर आप लोग रहते हैं, आप लोग को दुनिया एक अलग होता है। लोग तो ये मानते हैं कि शमशान घाट में गए हम अछूत हो गए हैं, छुआ गए हैं। लोग ये कहते हैं कि चलो भाई स्नान करो तब घर में प्रवेश करना। हम लोग को ऐसे नहीं लगता, हम लोग को छुआछूत बीमारी नहीं, छुआछूत कुछ ये नहीं लगता हम लोग को, उसे मन में नहीं होता कुछ। हाँ, हम लोग को ऐसे नहीं, और कुछ होता भी नहीं हम लोग का। देखिए, हम लोग कभी हम क्या, मेरा बाप भी करता था, हम लोग यहाँ पर खाना पीना खा के यहीं पर रह के हम बड़ा भी हो गया, मेरा भी बाल बच्चा लड़का लड़की सब हो गया, कोई हम लोग का इसमें तकलीफ नहीं होता कुछ। हम लोग का मतलब आशीर्वाद ही लगता, हम लोग कुछ ये नहीं होता, खराब नहीं लगता है कि आशीर्वाद मिलता है यहाँ पर लोगों को मोक्ष दिलाने में। हाँ, आप लोग जैसे आता है बहुत बाद में आशीर्वाद दे के भी जाते, बाबू तुम लोग पुण्य का काम करता है। सही बात है, ये वाकई ये बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है। जो पुत्र जो अपने पिता के लिए नहीं करता है वो आप लोग करते हैं, वो काम आप लोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा एक काम है। बताइए कि अभी आप बता रहे थे कि भाई अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस लाइन में नहीं, इस लाइन में नहीं लगे। क्यों नहीं? फिर मोक्ष कैसे? नहीं, मोक्ष ये लाइन में नहीं लाना चाहिए। देखिए, हम लोग जब दो पीढ़ी गुजर गया और नहीं लाएंगे इसमें, हम लोग का वैसे हम लोग का ये नहीं लाने में मन नहीं करता इसमें। अच्छा, नहीं यहाँ पर हम लोग तो सोसाइटी का चलता है ना, इसलिए हम लोग को मन नहीं लगता यहाँ पर। वो लोग को पढ़ा लिखा के, पढ़ा लिखा करके कोई बढ़िया जगह मिले तो ठीक है। हाँ, नौकरी नौकरी या कुछ भी काम करेगा अपना, मतलब जो भी काम करेगा अपना। नौकरी तो नहीं भी मिल सकता ना, हम लोग गरीब आदमी को नौकरी नहीं भी मिल सकता है। पढ़ लिख कर अपना, हाँ पढ़ लिख कर अपना जो ये करेगा तो ठीक है। कितना कमा लेते हो? कमाने का देखिए, हम मेरा तो इधर स्टेचर में, हम लोग तो कौन यहाँ से समिति समिति जो देता है हम लोग को, वही सैलरी देता है, मतलब उससे परिवार चल जाता है। हाँ, हम लोग मोटामोटी परिवार चल जाता है। सही कहा आपने कि वाकई मोक्ष धाम में मोक्ष दिलाने वाले लोग वो भी ये समझते हैं कि वाकई ये पुण्य का कार्य तो है ही, बड़ा बड़ा पुण्य का कार्य है, क्योंकि ये काम सब लोग नहीं कर सकते हैं। कि निश्चित तौर पे कि ये काम वो है कि जब जिसके पुत्र जो है या परिवार के लोग ये समझते हैं कि आदमी के मौत के बाद, यानी जब आदमी शरीर को त्याग देता है, तो लोग ये समझते हैं कि अब अछूता हो गया है। लेकिन शमशान घाट में काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि अछूता नहीं, ये तो आशीर्वाद का चीज़ है, जिसका पुत्र नहीं करता वो काम ये लोग करते हैं। तो यही है कि अब मोक्ष धाम में मोक्ष तभी मिलेगा जब माँ गंगे के यहाँ आप इस कलश को प्रवाहित करेंगे। जब तक इस कलश को प्रवाहित नहीं करेंगे, इनको मोक्ष नहीं मिलना है, और वह ऐसे ही टंगे रहेंगे, ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे अपने बच्चे को। और ये तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक ये माँ गंगे के धार में इन्हें प्रवाहित नहीं किया जाए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर कोई भी बच्चा अपने बुजुर्ग को, माता पिता को, दादा दादी को, सगे संबंधी को जब तक वो मोक्ष नहीं दिलाएगा, तब तक वो खुद को वो चैन से नहीं रहेगा।
हिंदू ग्रंथ ये भी कहता है कि आप तभी शांति से रह पाएंगे कि जब जिनकी आत्मा निकल गई है यानी जिनकी मौत हो गई है वो व्यक्ति का अगर अंतिम संस्कार के बाद मोक्ष मिलेगा, और जो मोक्ष तभी मिलेगा जब उनके अस्थि कलश को आप सीधे प्रवाहित करेंगे। अगर आप प्रवाहित नहीं करेंगे तो वही होगा, कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी। लेकिन साइंस ये कहता है कि अस्थि कलश, साइंस भी कहता है कि अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि उसकी हड्डी में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम उर्वरक बनकर यानी जो पानी है माँ गंगे का जो पानी है उसको भी साफ करता है और शक्ति देता है। और यही कारण है कि मोक्ष जरूरी है। लेकिन जमशेदपुर में आज भी सैकड़ों क्या हजारों परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन दिलाएगा मोक्ष, ये बड़ा सवाल है। एक बार हम बाहर का नजारा दिखाएंगे और हमारे साथ वैसे शख्स से अब आपको हम रूबरू कराएंगे कि वाकई इस काल की ही बात नहीं, कुछ लोग तो कुछ समय के लिए बाहर आते हैं लेकिन एक ऐसा शख्सियत जो लगातार भले इस शहर के अगर बड़े हो बुजुर्ग हो या गरीब हो या अमीर हो, सारे लोगों के लिए हर समय उनके पुत्र बनकर उनके बच्चा बनकर हर समय अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हमने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है कि अंतिम संस्कार के बाद हमें मोक्ष दिलाएं। और हम जिस मुद्दे को लेकर आ जाए हैं वाकई ये मुद्दा अपने आप में अहम है। हमने पहले भी कहा कि ये वो मुद्दा है जो मोक्ष दिलाता है, ये वो मुद्दा है जो मोक्ष धाम में पहुंचे हैं, ये वो मुद्दा है कि लोग चंद पैसों के लिए अपने बुजुर्गों को भूलते हैं, अपने संस्कार को भूलते हैं। लेकिन अब मेरे साथ ऐसे शख्सियत है राव बाबू कि न तो पैसा की जरूरत और ना ही किसी के सेवा की जरूरत, लेकिन खुद ब खुद सेवा करने के लिए 24 घंटा शमशान घाट में रहने वाले, और उस वक्त भी इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी जब कोरोना काल में सैकड़ों शव यहाँ पर इस शमशान घाट में पड़ा रहता था। यानी मोक्ष दिलाने की जिम्मेवारी इनके ऊपर, इनके मन में ये कहाँ से आया इनसे ही जानते हैं। राव बाबू कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक पुत्र का रोल, एक पिता का रोल, एक पति का रोल, एक भाई का रोल लगातार आप निभा रहे हैं इस शमशान घाट में, ये मन में कहाँ से? सर ऐसा है कि मैं यहाँ का संयुक्त सचिव हूँ और एक मानवता के नाते हमको लगा, क्योंकि जिस दिन ये घटना शुरू हुई थी पाँच जुलाई 2020 जब पहला कोरोना यहाँ जमशेदपुर के लिए आया था, तो उस समय इतना हंगामा था जमशेदपुर में, हमारा एरिया में सब घेर लिए थे, नहीं जलाने देंगे, लोगों का अवेयरनेस नहीं थी कि जलाने से यहाँ सब जगह कोरोना हो जाएगा, ये सोच के यहाँ के लोकल लोग पूरा चारों तरफ घेर के मारने पीटने और हमको भगाने, जबकि मेरा पूरा स्टाफ को यहाँ से डरा के भगा दिया गया था। प्रशासन ने काफ़ी मदद किया हमको घर से ला के यहाँ पर। हमको उस दिन लगा कि मानवता के अलावा क्या रह गया, हम उस माने एक सम्मानजनक अगर किसी को अपना कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, जबकि मेरा 70 साल पुराना संस्था है, तो उसको हमको बेड लगा कि मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि कुछ सम्मानजनक उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इस वजह से यही प्रेरणा है समझिए आप। और मेरा तो एक ही मामला है, मैंने कि आदमी सिर्फ एक बार मरता है, चाहे वो कोरोना से मर जाए, चाहे एक्सीडेंट से मर जाए, चाहे रोड एक्सीडेंट किसी तरह मरता एक ही बार है। तो इसको हमने, और मरने का डर नहीं अगर बोलेंगे हम तो सबसे बड़ा झूठ होगा सर। मरने का डर हमको भी था लेकिन कर्तव्य के सामने मौत मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने आपको बोलना भी सही नहीं होगा क्योंकि मैंने बिना मास्क बिना पीपी किट के, शायद आप देखे भी होंगे, हमने सेवा किया है सिर्फ इसलिए कि मानवता की बात थी। बाकी हमने पहले भी कहा कि यह एक कटु सत्य है, मौत को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर अंतिम संस्कार के बाद अगर मोक्ष तभी मिल पाएगा जब अस्थि कलश का विसर्जन होगा। एक बार हम आपको अस्थि कलश दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए ये बच्चा अस्थि कलश लेकर जा रहा है और देखिए कि शमशान घाट में है, और शमशान घाट में ये एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है। एक
जो परिवार के लोग चले जाते हैं, तकलीफ तो होता ही है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है। सर ये चीज बताइए, ठीक है, लेकिन अस्थि कलश का अब क्या होगा, जो लोग बहुत दिन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? सर ये मुद्दा एक ऐसा भावना से जुड़ा हुआ है सर लोगों का। इस बीच में दो चार लोग ऐसे भी हमारे सामने आए जो दो तीन साल पुराना चीज़ को खोजने आए, बोले कि मेरा यहाँ पर रखे हुए थे, अब क्या किए। सर हम लोग एक टाइम लिमिट देते हैं, क्यों, चूँकि कोरोना काल था, सभी बंदी था, इसलिए कुछ रिलैक्सेशन है, अदरवाइज 30 डेज को हम लोग रिटेन करने के बारे में दबाव रखते हैं लोगों को। अगर नॉर्मल पीरियड, अगर ये कोरोना की वजह से कुछ हम लोग ज़्यादा 3-4 महीना 6 महीने भी रख लिए हैं, अब हमको 1 साल कम से कम इसलिए रख लेंगे क्योंकि दोबारा लोग कई तरह का शिकायत करके आए थे कि मेरा, तो सर हमारा रखने का भी एक बंदिश, और 2-3 साल से नहीं रखते हम लोग यहीं पर, हमारा स्वर्णरेखा घाट जो बगल में ही है, इसलिए हम लोग 1 साल का जो देख लेते हैं डेट, उसके बाद में जाके अपने से अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले जो लोग कह रहे थे, कहे हों कि भाई हमको चाहिए, इतनी तभी बता रहे कि 1 साल के बाद कोई आदमी? जी सर, ऐसा 2-3 लोग आए थे। लोगों को क्या मिला या वो लोग फिर? सर बहुत पुराना था सर केस, बाकी कोरोना के बाद से जो भी हुआ उसको एकदम क्लोजली मॉनिटर करते थे, पहले ऐसे शिकायत नहीं मिलती थी। जी पहले तो लोग खुद लेके जाते, खुद लेके उनका जिम्मेवारी होता था, दूसरा दिन सुबह आए जब भी हुआ, क्योंकि साधन माने जो हमारा सिचुएशन था उस समय, गाड़ी घोड़ा जहाँ जाना होना सबको था। अब बंदी की वजह से लोग माने काफ़ी लोग माने रख देते थे, अब लेकिन एक भी शिकायत ऐसा नहीं है, पूरा मॉनिटर करते हैं, रजिस्टर बनाए हुए हैं, लोगों को रखे हुए हैं। अब उसके बाद में उनको एक बार फोन मोबाइल रहता है, मोबाइल में पूछ लेते हैं भाई ऐसा बात है, 30 डेज हुआ क्यों नहीं है, तो इस तरह करके सर ज़्यादा से ज़्यादा भावना से जुड़ा हुआ मामला है सर, लोगों को तकलीफ हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं, अदरवाइज लोग कोऑपरेटिव हैं। सही आपने कहा कि वाकई ये भावना से जुड़ा हुआ चीज़ है, और भावना के साथ साथ संस्कार भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, कि अगर आप संस्कारित परिवार से हैं, संस्कार हैं, तो निश्चित तौर पे जो अस्थि कलश आप शमशान घाट में छोड़ के आए हैं वो समय रहते लोग उठाकर ले भी जाएंगे और ले भी जाते होंगे, लेकिन कई ऐसा परिवार हैं जो आज भी इस शमशान घाट में